Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी फ्राई। इसके लिए हमने कलेजी ले ली है 1 किलो, ये कुछ हरी मिर्ची और कोथमीर पुदीना है। अब हमें कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 गरम होने के बाद अब हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे जिसको हमने पहले से ही धो के वॉश करके रख लिया था। कलेजी को बस ऐसे ही पहले फ्राई कर लीजिए ऑयल में, बिना कुछ मसाले डाले। अच्छी तरह से फ्राई होने दें, थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए कलेजी का जब तक हम फ्राई करेंगे इसको। फ्राई करने से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगी कलेजी। देखिए अब थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है कलेजी का। फ्राई हो गई है कलेजी। देखिए अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है, थोड़ा कड़क हो गई है अब ये फ्राई करते वक्त। देखिए आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आने लग गया। इस तरह से होने तक आप कलेजी को फ्राई करना ज़रूरी है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट है ये। अच्छे से फ्राई कर लेंगे ये सब चीज़ों को मिलाकर हम कलेजी में। अदरक लहसुन बिल्कुल अच्छे से फ्राई होना चाहिए। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून फुल। अगर आपको और थोड़ा टेस्ट पसंद है तो आप और ऐड कर सकते रेड चिली पाउडर। अच्छे से फ्राई होने दीजिए सब मसाले कलेजी के साथ। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है हमारी कलेजी फ्राई। ये बहुत इजी प्रोसीजर है। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे हम ऊपर से गार्निश के लिए, और थोड़ी कोथमीर ऐड करेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी है कलेजी फ्राई। आप इसे रोटी या वाइट राइस के साथ, दाल के साथ सर्व कर सकते, बहुत ही टेस्टी दिखती। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। और कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।